हमने एक नई मेड रख ली अपने यहाँ जो रात में 12:30 बजे काम करती है, दिख रहा है ब्लॉग में। ये देखिए सुबह सुबह जो काम मुझे मिला है, ये मिला है कपड़े प्रेस करने का। तो पहले कपड़े प्रेस करते हैं और फटाफट मिलते हैं आपको। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, तो शुरुआत करते हैं एक नए दिन की, और नए दिन की शुरुआत काफी अच्छी हो चुकी है। कल रात में कचौड़ी चोरी खा के आया तो सो गया, अभी मैं दरवाजा लगा रहा था। मेड हमारे यहाँ जो काम करती है ना दीदी, वो खाना बना के गई, और आपने जैसा देखा कि मैं अभी कपड़े आयरन कर रहा था, कपड़े आयरन हो चुके हैं। कपड़े किसके आयरन कर रहा था? अपनी वाइफ के, क्योंकि उसे सुबह सुबह ऑफिस जाना होता है। उसका जो ऑफिस है वो मंडे टू फ्राइडे है, मतलब उसका वर्क फ्रॉम होम नहीं है। और मेरा जो ऑफिस है वो मतलब दो दिन है हफ्ते में, आप ट्यूजडे और थर्सडे चले जाओ तो दैट विल बी बेटर। मैंने ऑफिस क्यों ज्वाइन किया या ट्रेडिंग करते, मैं तो पहले ट्रेडिंग करता था, पहले जॉब छोड़ी फिर ट्रेडिंग किया, फिर जॉब ज्वाइन कर ली, बट साथ में ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे ब्लॉग आगे बढ़ते जाएगा उस तरीके से आपको वो सारी वीडियो आते जाएंगे आपके पास। सो शुरुआत करते हैं एक नए दिन की और मिलते हैं, अभी तो पूरा दिन ही बचा हुआ, देखते हैं कि अभी क्या क्या करते हैं। तो मिलते हैं आपको वीडियो में, आगे बढ़ते हुए वीडियो में। गाइस अभी है क्या कि मैं सोच रहा हूँ कि अपना जो ब्रेकफास्ट मेरा है, अब तो मैं पूरी तरीके से डाइट पे आ गया हूँ, तो वो ब्रेकफास्ट मैं कम्प्लीट कर लूँ। अब ब्रेकफास्ट के लिए देखिए, इससे पैरा ऑप्शन कुछ हो ही नहीं सकता है। तो अगर आप डाइट पे हैं, डाइट पे है नहीं, डाइट स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप सबसे पहले जाइए और जाके 7:30-8 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट बना ले। एक चीज और बताऊंगा, देखिए जब भी आप अंडे बॉईल करने जाए ना, तो इसको ना धो लेना चाहिए। अंडों को अगर आप धो लेंगे ना तो इनमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए साफ से अंडों को आप धो लिया करिए, और धोने के बाद बॉइलिंग करिए, और जो ज्यादा गर्म नहीं करना चाहिए, ठंडे पानी में इसको जब पूरी तरीके से गर्म हो जाए इसको छोड़ दीजिए। और जब ये पूरी तरीके से गर्म हो जाए तो फिर जब मतलब अपने पानी थोड़ा गर्म हो जाए तब इसको हाई फ्लेम पे कर दीजिए, ताकि वो बॉइलिंग में ना अंडे एक दूसरे से टकरा कर टूटे नहीं। देखिए एक तरफ इधर चाय बन रही है, इधर अंडा आया, ये दोनों ना बिजी थे। ये मैडम के लिए चाय बन रहा है और मैं सुबह सुबह जैसा डर की मैं डाइट ले रहा हूँ। मेरा इधर देखिए ये पानी गर्म हो रहा है, और ये जब बॉइल्ड हो जाएगा तो मैं पीऊंगा ग्रीन टी। और मैडम बिल्कुल रेडी हो चुकी है ऑफिस जाने के लिए। हेलो सान्या, दर्शकों को हाय तो बोलो। हाय हमको बोली, गुड मॉर्निंग। सो सी इज रेडी और ये तैयार हो जाएगी, उसके बाद फटाफट हम ऑफिस के लिए निकले। अब चाय तो मैं बना रहा हूँ बट चाय छन्नी नहीं मिल रही है, तो चाय बनाने का काम मेरा है, छाने की चाय ये। चाय छन्नी होगा, देखो कहीं ना कहीं तो होगा ही, और मेरी तो ग्रीन टी है तो मुझे तो छन्नी उन्नी की आवश्यकता ही नहीं है। मैं तो बस वो डिप जो आती है ना लेमन वाली, विटामिन वाली, वो डिप किया और उसके बाद हमारा ग्रीन टी तैयार। तो फटाफट ये दोनों काम करने का, इसको ऑफिस छोड़ना, ऑफिस छोड़ने का फिर दोबारा हमें घर भी आना है। ग्रीन टी बन के तैयार है, अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, और जब तक ये ग्रीन टी बन रही है तब तक मैं तैयार हो गया था। तो गाइस मैं रेडी हो गया था और अपना जो मोबाइल है ना वो भूल गया था, दौड़ता हुआ है मोबाइल लेके गाड़ी निकाली मैडम नीचे, तो उसको छोड़ते छोड़ते तो फिर आपसे मिलते हैं। हेलो गाइस, तो वापस घर आ गया हूँ, वाइफ को ऑफिस छोड़ा। वहां छोड़ने के बाद ना एक मुझे डाइनिंग टेबल लेना था, ठीक है। डाइनिंग टेबल मतलब वो जो प्लास्टिक वाले आते हैं कि उस पर बैठ के हम खाना वाना खा सके, तो वो टेबल मुझे लेना था। तो पहले वो टेबल परचेस किया, उसके बाद थोड़ा सा रूम का सेटअप बनाया कि वर्क फ्रॉम होम में भैया अब आपको तो काम करना ही है। और साथ ही साथ क्या हुआ कि हमारे पास जब मैं रूम शिफ्ट कर रहा था तो मेरी वाइफ का जो ईयरफोन था वो गायब हो चुका, पता नहीं मिल नहीं रहा था। तो मैंने फिर से अमेजन से ये देखी, ये एक दो ईयरफोन मंगाए अमेजन से, इसकी भी पैकिंग करते हैं थोड़ी देर में। और मैं आपको ये बता दूं कि जो टेबल लेके आया हूँ उसको भी दिखाता हूँ आपको, रुकिए ये दिखा रहा हूँ आपको टेबल। तो गाइस ये वाली चेयर और ये टेबल ली मैंने डाइनिंग टेबल खाने के पर्पस के लिए जैसा बता रहा था, और ये देखिए ये लिया है, ठीक है। मतलब ये भी चेयर है और वो जो है अपना वर्क स्टेशन है मेरा, और दूसरा ये जो अमेजन से आया जैसा मैंने आपको बताया है। तो ये हेडफोन मंगाया है, अब इसको भी अनबॉक्सिंग करके आपको बताते हैं। तो गाइस इसको अनबॉक्सिंग कर ही लेते हैं, देखते हैं कि क्या है। ये मैंने मंगाया था ईयरफोन MI का, ये देखिए, बिकॉज ये मेरे को सबसे अच्छा ईयरफोन लगता है MI का, ठीक है। इसकी क्वालिटी भी आपको देखिए, इसके जो क्या लिखा है कि बैलेंस साउंड है, एल्यूमिनियम साउंड चैम्बर, लाइट वेट,
वेट बहुत ही यार, और मैंने इसको यूज किया, यूज करने पे ना जब मैं बीजीएमआई खेलता था ना तो साउंड का क्लियरेंस बहुत ही प्यारा इसमें आता था। ठीक है, माइक वगैरह भी है, मंथ ईयर मेड इन इंडिया, सबसे पहली बात तो ये देखिए मेड इन इंडिया लिखा हुआ आता है। और एमआरपी वैसे इसका है 999, इसके इस पे जो बैक पे लिखा हुआ है, बट अगर मैं देखूंगा तो मैंने ऑनलाइन मंगाया हुआ है अमेजन से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो ये अराउंड 499 का पड़ेगा। तो इसका मैंने दो सेट मंगाया, एक पेयर और मंगाया है, क्योंकि एक मैंने मंगाया अपने लिए और एक मंगाया है वाइफ के लिए। दूसरा वाला भी निकाल लेते हैं, ये देखिए दूसरा। तो मैंने दो कलर में मंगाया है, एक ब्लैक मंगाया है ठीक है, और एक ब्लू कलर में मंगाया है। तो दोनों को यूज करके बताता हूँ, दोनों को देख कर कि कैसा लगता है ये। तो गाइस देख सकते हैं कि जब आप एमआई का ये लेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है स्क्रैच एंड चेक, ठीक है। तो इससे आप क्वालिटी वगैरह चेक कर सकते हैं कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, क्योंकि बहुत बार ऐसे डब्बों में डुप्लीकेट भी आ जाता है। हेलो गाइस, तो शाम हो चुका है 9:30, और आज का दिन काफ़ी बिजी भरा रहा, शेड्यूल रहा, सारी चीज़ें आई, फिर मैं शाम में अलमारी लाने चला गया, डाइनिंग टेबल सुबह लेके आया था, और वाइफ को भी थोड़े कुछ मेडिसिन लेने थे तो वो भी मैं लेके आया। उसके बाद अब वाइफ ने बोला कि उसको भूख लग रही है, तो नाउ वी आर गोइंग, बाहर जाके देखते हैं कि क्या मिलता है क्या नहीं। तो गाइज बाहर से हम क्या क्या लेके आए, बाहर गए थे वाइफ को, वाइफ के लिए कुछ खाने के लिए, तो पनीर मोमोज लेके आया, वेज मोमोज लेके आया, और चाउमीन और चिली पोटैटो। चिली पोटैटो अच्छा नहीं था, हम लोग खा चुके हैं, खाने के बाद थोड़ा सा कुछ देखिए, आई एम ऑन माई वर्क स्टेशन, तो थोड़े मोड़े काम है, कुछ ट्रेडिंग की वीडियो भी जो मैं एनालिसिस करता हूँ उसे भी अपलोड करना है मेरे दूसरे चैनल बिगनर्स ट्रेडर पे जाकर, तो ये सारी चीज़ें करनी है। और ये करने के बाद फिर आज खाना खाने का तो मूड है नहीं, और वैसे भी डाइट पे हूँ, तो देखता हूँ और आगे क्या क्या करते हैं अभी बताता हूँ। तो गाइस, तो रात के बज रहे हैं 12:30, और 12:30 बजे देखिए हमने एक नई मेड रख ली अपने यहाँ, जो रात में 12:30 बजे काम करती है, दिख रहा है ब्लॉग में। और सारे लोग वर्किंग है, सारे लोग काम करने पे लगे हुए हैं 12:30 बजे के आसपास भी, और मेरी वाइफ भी, ये देखिए। हेलो, हाय बोलो। दीज ऑल आर द यू नो वुमेन एंटरप्रेन्योर, सी विल बिकम इन द फ्यूचर। एक ने तो डिसाइड कर लिया है कि वो मेड बनेगी, ये देखिए पोज देखिए मेड का, मतलब ऐसा फोटो खींच के ना वो उस पर डाले वेबसाइट बना के, हेलो आई एम मेड। तो गाइस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड नाइट, चाय बन रहा है, चाय पी के मैं सो जाऊंगा, और प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट्स में जरूर कमेंट्स डालें कि क्या सुधार हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सुधार ये हो सकता सकता है है। कि तुम अपने आप को थोड़ा ग्रूम कर सकते हो। ये मेड बता रही है कि मैं मुझे ग्रूम कैसे करना है। यू गो सका, आई एम द बेस्ट, तुम जाओ चाय बनाओ, आई एम द बेस्ट। ठीक है गाइस, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय।